वो वही ये है साइड में, क्योंकि भाई सामने दिख रहे होंगे वो, और मेरे भी हाथ मिट्टी में होगा क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा इनका जो बाहर निकलने का सिस्टम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पर आया हुआ हूँ, तो भाई छत से आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं पप्पीज़ को देखने। और भाई मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है और मेरे ऊपर ना कुछ पक्षी उड़ रहे हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मैंने भी आज से पहले कभी नहीं देखे। तो भाई ये रहे वो पक्षी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर हैं तो इसलिए भाई बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उनकी चोंच और गर्दन तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा दूर भी आ चुके हैं। वैसे मैंने आज से पहले तो ये कभी नहीं देखे, वैसे बरसात के मौसम में ही आते हैं ये, तो अब की बार तो थोड़ी बहुत देर में बारिश वगैरह आने वाली है, क्योंकि भाई वैसे तो सुबह बारिश हुई थी, मतलब डेली हो रही है दो तीन दिन से, तो लगातार भाई पूरी छत भी गीली हुई है। तो भाई अभी भी बादल हो रहे हैं, काले काले बादल हो रहे हैं, तो लग रहा भाई बारिश दोबारा आएगी। और भाई चारों तरफ हरियाली, क्योंकि भाई घर में इतने ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं ना, भाई चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वैसे तो भाई गाँव में और किसी के यहाँ पर नहीं है इतनी, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर, क्योंकि पौधे वगैरह इतने लगे हुए हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा, तो भाई हरियाली तो होगी। और ये रही हमारी बेला की बेल, ये तो भाई पहले तो सूख गई थी, लेकिन भाई ये दोबारा से आ रहे आने लगी, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम है और बरसात के मौसम में तो सभी पौधों पे हरियाली आ जाती, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर फूल आ रहे हैं। और भाई सामने भी ये छोटे छोटे फूल हैं ना, ये भाई सभी बड़े हो जाते हैं वैसे तो, और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वैसे तो, इसमें खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और ये ना गुच्छे में आ रहे हैं सब के सब, भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और बेला की बेल भी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, भाई सीधी छत पर चली है ये तो बड़े होकर, कहीं और भी जाना था इसको घूमना लेकिन नहीं गई। तो अभी नीचे की साइड दिखाता कि भाई इसकी कितनी ज़्यादा लंबाई है, तो भाई नीचे से ये आ गई बिल्कुल ऊपर, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही। तो ये बैठी हुई है मैं नीचे रॉक्सी, क्योंकि भाई मैं छत पर आया हुआ हूँ, तो भाई वो नीचे बैठी हुई है, ऊपर आने का इंतजार कर रही, लेकिन भाई मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया तो भाई वो ऊपर नहीं आई है। अब तो ये भी ना नाराज़ होकर दूसरी साइड को मुँह करके लेट के अब तो ऊपर भी ना देख रही, कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई, डांट क्या मार दी भाई थोड़ी सी इसको। वैसे इसकी नाराज़ी ज़्यादा देर तो रहती नहीं है, क्योंकि भाई नीचे जाती है जैसे मैं इसको बुलाऊंगा ना आवाज़ देकर, बिल्कुल इसकी नाराजगी एकदम ख़त्म और बिल्कुल मेरे पास आ जाएगी, ना कोई अटैक ना कुछ, अटैक का तो कर मतलब ही नहीं बनता इसका। उसका खाना रखा हुआ उस पेड़ के नीचे, जो कि भाई इससे खाया नहीं गया, तो आराम से सोइए। लेकिन तो ये बैठा हमारा मैक्स, जो कि भाई बारिश का टाइम है ना, तो वैसे बारिश के पानी में ज़्यादा बैठना पसंद है उसको। तो भाई अभी भी ना पूरा गीला हो गया, एक साइड से इसका पैर दिख रहा होगा पूरा गीला गीला हो गया, गीले गए भाई ज़्यादा बैठना पसंद है इसको। अब पता नहीं भाई इसको गर्मी लगती है लेकिन क्या है, लेकिन जो भी है भाई अभी तो ठीक है। और इसकी नाक पर ना अभी थोड़ा सा निशान रह गया है, जो कि भाई ब्रूनो ने पहले इस पर अटैक जो कर दिया था, तो दोनों की फैट हो गई थी, तो थोड़ा निशान है लेकिन चला जाएगा ये थोड़े बहुत दिन में, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो मैं अभी आ चुका हूँ घर में, और भाई ये रहे हमारे सामने क्यूट क्यूट पप्पीस। तो भाई एक पप्पी तो मेरी साइड में ही आ रहा, और पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो भाई लौट के चला गया लगता है, भाई नाराज़ हो गया। और ये भाई सभी पप्पीस ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए कट्टे पर, और भाई ये तो चढ़ भी जाएगा, और भाई ये तो चढ़ भी गया, ये भाई बिल्कुल जर्मन सेफर्ट के कलर से मैच हो रहा, तो उसको भाई पहले तो ना नीचे छोड़ दे रहा, कभी इसका रोड व्हीलर बना दोगे, रोड पर पिछा के चले जाए ऐसे। इसको नीचे तो छोड़ दिया, और नीचे छोड़ने के बाद में इसने तो भाई अपने और साथियों को भी तैयार कर लिया कि चलो सभी के सभी बाहर चलते हैं। तो भाई पहले तो ये अकेला आ रहा, अब तो भाई इसके साथ में तीन तीन और आ रहे हैं, तो पता ना भाई ये क्या करना चाह रहा है। वैसे तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चालाक है, पहले तो भाई ये पीछे हट रहा था लेकिन अब तो इसने चढ़ने की कोशिश कर दी, मेरे को तो ऐसा लगा कि ये तो चला जाएगा, लेकिन भाई इन्हें चढ़वा देगा ऊपर, तो भाई वो कहते हैं ना चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो भाई ये शायद वही कर रहा है। मेरे साथ में एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है, जो कि भाई पड़ोस का ही है, तो एक छोटा सा बच्चा और ये छोटे छोटे पप्पीस, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है बच्चा भी और ये पप्पी भी, तो ये पप्पी तो भाई उसकी साइड में जाने लगा, तो इसे भी नीचे छोड़ दे रहा। इन सभी को वैसे ना रोड बिलर बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, क्योंकि अगर यहाँ से निकल गए ना सभी बाहर, तो भाई कोई ना कोई ना पिछाई जाएगा, क्योंकि रोड है बीच में, तो फिर सही नहीं रहेगा वो, तो इसलिए अभी इन्हें यहीं पर रखा है। तो अभी इनका भी कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करते हैं, जो कि भाई यहाँ से ये निकल ना पाएँ। तो वैसे तो भाई थोड़ी मिट्टी तो मैंने खोद दी है, और ये तो भाई उससे जाकर लड़ने लगा, कह रहा होगा चल मेरे साथ तू भी। तो उधर तो बड़े वाले पप्पीस हैं, बड़े वाले के मतलब कुछ ज़्यादा ही हैवी हैं वो, तो बाकी और सब तो कमज़ोर है। वैसे तो सब उसी फीमेल के हैं, ब्लैक वाली के और रेड वाली के, तो कोई अलग नहीं है। अब तक तो ये पप्पीस छोटे थे, तो हमने इन्हें धूप से और बारिश से बचाया, लेकिन भाई जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं, तो अभी हमें इनका ध्यान रखना है कि भाई ये रोड पर भी न निकलें, और बाहर जो बच्चे हैं उनसे बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मार देते हैं। पिछली बार के जो पप्पीस थे वो तो भाई बच्चों ने मार दिए, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं बाहर था, तो बच्चों ने भाई पूंछ पकड़ पकड़ के उन्हें झूला झुलाते झुलाते उन्हें ख़त्म कर दिया, मेरे को बाद में पता चला, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा मुझे भी। इसकी तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से भाई बैंड बजा दी रॉक्सी ने, तो वैसे तो भाई मेरे रॉक्सी पर भरोसा तो नहीं था कि ऐसा कर देगी, लेकिन भाई इसने ऐसा कर ही दिया। भाई ब्रूनो की चारपाई, जो कि भाई ब्रूनो तो अभी भी चढ़ा हुआ लग रहा है, भाई उसको भी दुख हो रहा है इस बात का कि रॉक्सी ने पता ना मेरी चारपाई का क्या कर दिया। वैसे रॉक्सी को अंदर जाल में तो नहीं रखता, तो बाहर ही रहती थी ये रॉक्सी तो, बट थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही थी ना, तो इस वजह से मैंने इसे अंदर कर दिया,
तो भाई इसने सबसे पहले तो ब्रूनो की चारपाई ही ख़त्म कर दी कि ऊपर बैठा और मैं नीचे। वैसे बैठ तो ये भी जाती थी चारपाई पे, लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ। और वैसे तो रॉक्सी इतनी ज़्यादा सीधी है ना कि कोई इसको देख के ये भी नहीं कह सकता कि हाँ ये ऐसा कर सकती है। तो अब तो मैंने इसे ना चेन में बांध दिया, मैंने ले तू आराम से यहीं पे चेन में बंधी रहे, क्योंकि भाई थोड़ी सी इसने थोड़ी क्या मतलब ज़्यादा ही दिक्कत कर दी ब्रूनो की, तो भाई चारपाई ख़त्म कर दी। लेकिन कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया। अब देखते हैं भाई ब्रूनो की चारपाई का क्या करना है। एलेक्सा को लेके आ गया मैं घर में, अब देखते हैं भाई क्या करती है पप्पीज़ का, क्यों पहले तो इसे पप्पीज से मिलवाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इसका। वैसे तो अभी तक मैंने इससे पप्पीज़ को नहीं मिलवाया है, तो देखते हैं भाई क्या करती है। तो अभी हमारे पप्पीज़ तो भाई एक साइड में सोए हुए हैं सारे सारे पप्पीज़, तो पहले भाई नीचे चलते हैं। जब ये नीचे जाएगी, पहले तो ये जाएगी नहीं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद निकाला इसको घर से बाहर। वैसे तो घर में टहलती रहती और अंदर या फिर केज में बंद रहती, तो बाहर में निकाल नहीं पाता इसे। तो आज इसे काफ़ी ज़्यादा दिन बाद लेके आया हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रही थी। तो पहले इसे पप्पीज़ से मिलवाते हैं, लेकिन भाई पप्पीज़ को तो अभी कोई टेंशन ही नहीं इससे, क्योंकि भाई वो भी आराम से सोए हुए हैं, देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमें क्या मतलब इससे। और बहुत अजीब सी भी लग रही होगी उन्हें, क्योंकि इसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो लॉन्ग कोट में जो लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड इस वजह से फीमेल हो गई है। तो वैसे भी इसकी भी एज ज़्यादा नहीं है, तो अभी ये भी 8-9 महीने की है, तो कोई ज़्यादा एज भी नहीं है अभी इसकी। और वैसे भाई देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैंने तो सोचा था कि भाई एलेक्सा को पप्पी से मिलवाऊंगा, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता, लेकिन भाई इसका तो कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एलेक्सा तो मारती नहीं किसी पप्पी को। जो भी हमारा डॉग है वो तो भाई कोई भी अटैक नहीं करता किसी पप्पी पे, बस एक थोड़ा सा मैक्स है जो भाई किसी पे भी अटैक कर देता है, चाहे वो पप्पी हो या फिर डॉग हो, तो उसकी एक बात अलग है। लेकिन भाई ये किसी पर अटैक नहीं करती। और यहाँ पर घास के पौधे जिसे भाई ये एलेक्सा सूंघती हुई, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी हो रही है अभी इसकी, तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी काफ़ी ज़्यादा और अच्छी भी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो अभी वैसे इसके एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है इसकी। वैसे तो हमारा जो मैक्स है भाई वो भी जर्मन शेफर्ड है और ये भी जर्मन शेफर्ड है, लेकिन भाई इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है भाई, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये लॉन्ग कोट में है और वो डबल कोट में है। तो उसके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं इसके सामने, तो वैसे देसी डॉग से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इस वाले पौधे में तो काफ़ी ज़्यादा दिन बाद फूल आए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन बाद क्या मतलब काफ़ी साल बाद, क्योंकि भाई ये मैंने ना कम से कम 3-4 साल पहले लगाया था। और अब भाई छोटा सा पौधा है, एक तो भाई ये बढ़ने का नाम भी ना ले रहा, और पौधे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होगा इसके साथ के, लेकिन ये छोटा सा रह गया, पता ना क्या हुआ। इसमें दवाई भी लगाई, सब काम किए, लेकिन भाई ये बढ़ने का नाम ही ना इसका। लेकिन चलो ये भी अच्छा है, कम से कम इस पर फूल तो आ गए, तो फूल भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं गुच्छे में। तो मैंने इस पर तो फूल पहली बार ही देखे हैं, क्योंकि इस पर आई ही पहली बार है। देखने में तो ये फूल काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, और बिल्कुल ना कॉटन की तरह है एकदम, मतलब रुई की तरह, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और जो इस पर ना बॉल टाइप की है ना छोटे छोटे गोल गोल, इसके अंदर भी भाई इसके फूल ही हैं, तो फूल निकलने बाकी हैं, कोई ऐसा नहीं है बीज हैं। पहले तो अभी तो भाई मौसम भी एकदम साफ हो गया और हल्की हल्की सी बस धूप भी निकल रही है, तो शाम का टाइम है, तो अब तो भाई क्या ही धूप निकलेगी। वैसे बारिश का मौसम तो ख़त्म हो गया, वैसे किस टाइम आ जाए भरोसा भी नहीं है, तो वैसे अब लग तो नहीं रहा कि बारिश आएगी। और वैसे एक दो दिन से तो बिल्कुल डॉग भी मैंने बाहर नहीं निकाले हैं बिल्कुल भी, तो देखते हैं भाई आज निकालते हैं।